वो ये कहना चाहता है कि जहां मैं बैठा हूं वहां पे एक वुमेन को बैठना चाहिए था, पता है क्यों? What's up, people? Welcome back to Chega. अगर आप चैनल पे नए हो और आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है जिसमें आपको दारू से रिलेटेड जानकारी मिलती है, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, ठीक है? सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक और वाइन फ्रॉम सुला। सुला की काफ़ी सारी वाइन का रिव्यू कर चुका हूँ मैं। सुला की बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कैबने शिराज का रिव्यू देखो, आई बटन पे क्लिक करो, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। सुला से रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। आई वुड रिपीट माई सेल्फ, ठीक है? नहीं तो वीडियो अननेसेसरी बड़ा कर दूंगा मैं, क्या मतलब निकलेगा? कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो चलो अब हम बात करते हैं किस वाइन का रिव्यू कर रहे हैं। हम रिव्यू कर रहे हैं सुला की समारा रेड टू रेड वाइन। इससे पहले मैंने समारा व्हाइट वाइन का रिव्यू करा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। अब हम आज देखते हैं कि सुला की समारा रेड वाइन जो है वो कितनी अच्छी है, मुझे पसंद आती है या नहीं आती है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखो मेरे साथ में, एंड तक बने रहो क्योंकि एंड में आपको मिलेगा एक दारू तथ्य, ठीक है? तो चलो अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सुला समारा रेड वाइन काफी बजट फ्रेंडली वाइन है, जैसा कि सुला समारा वाइट वाइन भी थी, बट अगर पैसे कम देकर क्वालिटी के साथ में इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होता है तो वो नहीं कर पाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या मिलता है हम आपको। अगर प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस भी सेम है, 375 में आपको 750 ml की पूरी बॉटल मिल जाएगी मुंबई महाराष्ट्र। और ये जो छोटी बॉटल है इसकी प्राइस है 210 rupees, 375 ml की बॉटल है ये। इफ वी टॉक अबाउट ग्रेप्स, वैरायटी ऑफ ग्रेप्स में जो यूज हुए हैं, होम ग्रोन नासिक जो सुला विनियार्ड है वहाँ के होम ग्रोन ग्रेप्स यूज हुए हैं इसके अंदर, उनका ब्लेंड यूज हुआ है उनके अंदर। नथिंग स्पेसिफिक कौन से टाइप के ग्रेप्स यूज हुए हैं, वी डोंट हैव एनी सच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। और इसकी जो अल्कोहल स्ट्रेंथ है दैट इज 11%। सो या आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव व्हेन इट कम्स टू सुला समारा रेड वाइन। अब इसे खोलते हैं, इसे नोज करते हैं, पीकर देख लेते हैं कि कितनी बढ़िया है ये वाली वाइन। तो चलो पोर करें। ऑलराइटी, एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो बॉटल है दिस बॉटल इज प्लास्टिक बॉटल। तो अगर छोटी बॉटल दे रहे हो इसका मतलब नहीं, ये नहीं है यार कि आप उसको प्लास्टिक कर दो, इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है, इतना मजा नहीं आता है। फ्रेटेली की भी मैंने वाइन्स का रिव्यू करा है, आपने देखा होगा, और उसमें भी मैंने छोटी बॉटल्स यूज करी है और उसके पीछे का रीजन भी बताया है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कांच की दोनों यार, फ्रेटेली ने भी कांच की बॉटल दी है, अच्छी लगती है। ये सस्ते में मिल रही है इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप प्लास्टिक की बोतल दे दोगे, मजा नहीं आता यार, ठीक है? चलो तब कोई बात नहीं, बॉटल की तो बात हो गई, बॉटल मुझे पसंद नहीं आई क्योंकि प्लास्टिक की है। वाइट वाइन सुला समारा वाइट वाइन थी वो भी प्लास्टिक की बॉटल में ही थी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, शायद मैं बताना भूल गया था। कलर की बात करूँ तो इट इज रेड कलर, वाइन कलर से थोड़ा सा आई वुड से ज़्यादा रेडिश साइड में है ये कलर। तो अब नोज करते हैं इसे, ग्रेप्स उसके साथ साथ में आई थिंक आई एम गेटिंग बेरीज, या काइंड ऑफ यू नो मिक्स बेरीज का जो फ्लेवर होता है या नोट्स होते हैं वो मुझे आ रहे हैं अलोंग विथ ग्रेप्स। तो अब पीकर देखते हैं इसे। चीयर्स। क्या लगता है क्या बोलने वाला हो? समारा वाइट की तो बहुत बेइज्जती करी, इसकी क्या लगती है आपको? इट्स अ गुड वाइन, जिस प्राइस के अंदर मिल रही है आपको और इसका जो टेस्ट है, लाइट बॉडी वाइन है, मीडियम शुगरी, मिठास कम है, सारनेस भी उतनी ज्यादा नहीं है, ना ज्यादा ड्राई है, बैलेंस टेस्ट है इस वाइन का।
ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है दूसरी वाइन की तरह, बहुत सारे आपको फ्लेवर्स मिलेंगे, आफ्टर टेस्ट मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। अब आफ्टर टेस्ट की बात चलिए तो ऐसा नहीं हो कि आफ्टर टेस्ट बुरे भी हो सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके आफ्टर टेस्ट जो है वो अच्छे ही हो, बुरे भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो वाइन है मुझे काफ़ी बैलेंस लगी, ठीक ठाक स्वीट है, ठीक ठाक सार है, इतनी ज़्यादा ड्राई नहीं है, ऐसा कोई प्रोमिनेंट आफ्टर टेस्ट भी नहीं आ रहा है इस वाइन से। आई विल टेक अनदर स्मॉल सिप एंड सी अगर और कुछ मिलता है मुझे। रास्पबेरी का फ्लेवर आ रहा है मुझे अलोंग विद ग्रेप्स, या तो आई थिंक जो बेरी का यू नो नोट मुझे मिल रहा था ऑन द नोज, आई थिंक इट्स काइंड ऑफ रास्पबेरी का फ्लेवर है वो। तो ओवरऑल माय रिकमेंडेशंस वुड बी यू कैन सर्टेनली टेक दिस वाइन, ट्राई कर सकते हो आप, इजी गोइंग वाइन है। अगर ज़्यादा बजट नहीं है, कभी आपको वाइन पीने की इच्छा हो रही है और सस्ते बजट में पीनी है, आप पी सकते हो। सांग्रिया बनाना है पी सकते हो, कभी मल्ड वाइन बनाने की इच्छा हो रही है आप इस वाइन का यूज़ कर सकते हो। तो यू नो अगर आप ऐसे ना भी पीना चाहें तो काफ़ी सारे दूसरे कॉकटेल्स में आप इस वाइन का यूज़ कर सकते हो, और ऐसे भी पीना चाहो आप सर्टेनली पी सकते हो। ईजी गोइंग वाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्ती भी है, बजट फ्रेंडली वाइन, गुड वाइन। तो ये था हमारा समारा रेड वाइन का रिव्यू। और अब हम क्लास को क्यों नीचे रखूं, बात करता रहता हूं ना, अब हम अरे रुको बात कर रहे हैं, खत्म थोड़ी हुआ है वीडियो। बात करेंगे हम दारू पत्ते की, रुको सिप लेने को। तो आज का जो हमारा दारू तथ्य है वो ये कहना चाहता है कि जहां मैं बैठा हूं वहां पे एक वुमेन को बैठना चाहिए था। पता है क्यों? क्योंकि वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी गुड वाइन टेस्टर एज कंपेयर टू मेन। तो औरतें जो होती है वो ज्यादा अच्छे से वाइन को टेस्ट कर पाती है एज कंपेयर टू मेन, एंड उसके पीछे एक रीजन है। वाइन जब आप टेस्टिंग करते हैं तो उसकी जो नोजिंग है वो इक्वली इंपॉर्टेंट होती है, इट हैज मच सो मच टू डू विद नोजिंग ऑफ अ वाइन। और औरतों का जो नाक होता है ना उसे काफ़ी तेज माना जाता है, काफ़ी तीव्र नाक होता है, उनको स्मेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, अच्छे से आती है। तो इसलिए जो है वाइन टेस्टिंग के लिए वुमेन जो है वो ज़्यादा अच्छी कर सकती है या ज़्यादा अच्छी कंसिडर करी जाती है। तो ये था हमारा आज का दारू तथ्य जो कि अगेन वाइन से रिलेटेड था, मैंने अपनी प्रथा को कंटिन्यू किया। और हम आ चुके हैं वीडियो के अंत में, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस वॉज चेस साइनिंग आउट फॉर द डे, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन चीयर्स।